रियास फैमिली और माय फैमिली। ओह वाओ, मैं अपनी फैमिली चूज कर सकती हूँ? तो फिर तो मैं डेफिनेटली रिया की फैमिली चूज करूंगी। आखिर मैं भी तो देखूं रिया की लाइफस्टाइल है कैसी। ये मैं कहाँ आ गई? रिया बेबी जल्दी आओ, तुम कॉलेज के लिए लेट हो रही हो। ओह तो इसका मतलब मैं रिया के रूम में हूँ। ओह वाओ, इसके रूम में तो कितने सारे क्यूट क्यूट डॉल है। वैसे मानना पड़ेगा रिया की लाइफस्टाइल बहुत कूल है। रिया बेबी। हाय। हाँ बेबी, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? लेकिन डैड मैं तो रेडी हूँ। ये क्या हुआ तुम्हें? तुम तो कभी ऐसा सिंपल ड्रेस पहन के कॉलेज नहीं जाती। एक्चुअली डैड मैं अपनी ड्रेस नहीं ढूंढ पा रही। ओह वैसे भी मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लाया हूँ, ये लो पहन लो बेबी। डैड ये बहुत महंगा होगा ना? हाँ तुम तो एक्सपेंसिव ड्रेस ही पहनती हो। लेकिन कुछ नहीं डैड, मैं जल्दी से रेडी होके आ रही हूँ। सच में मुझे अभी से रिया की लाइफ के साथ कितना स्ट्रगल करनी पड़ रही है। वैसे वो लोग मुझे देख के रिया क्यों समझ रहे थे जबकि मैं जिया हूँ? और ये रिया कहाँ गई? कहीं वो मेरी फैमिली में तो नहीं चली गई? अगर ऐसा हुआ तो बहुत मजा आएगा। डैड आई एम रेडी। ओके बाय मॉम डैड, मैं कॉलेज जा रही हूँ। बेबी तुम कॉलेज कैसे जाओगी? पैदल। ओके अब मैं सच में कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। नहीं ये हमारी रिया नहीं हो सकती। अब क्या हो गया इन लोगों को? कहीं इन लोगों को शक तो नहीं हो गया कि मैं रिया नहीं हूँ? मॉम डैड क्या हुआ, आप दोनों मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? क्योंकि तुम सुबह से बहुत अजीब बिहेव कर रही हो, हमें शक है कि तुम जरूर रिया की डुप्लीकेट हो। नहीं डैड, वो एक्चुअली आज मैं कॉलेज पैदल जाना चाहती थी और इससे मेरी वर्कआउट भी हो जाएगी। ओ तो ऐसी बात है। लेकिन बेबी तुम कॉलेज के लिए लेट हो चुकी हो, चलो कार में जाके बैठो। ओके डैड। उफ जिया तो रिया की लाइफस्टाइल तो जी रही है लेकिन पता नहीं ये लाइफ में और क्या क्या करती होगी। आज मुझे डेफिनेटली सर से डांट पड़ने वाली है। भाग जिया। सर मे आई कम इन? आई एम 100% श्योर कि सर मुझे देख के समझ जाएंगे कि मैं जिया हूँ। रिया आज इतना लेट कैसे हो गया? सॉरी सर। इट्स ओके, जाके बैठो। ओके सर। सर मेरी प्रेजेंट। मैंने तुम्हें प्रेजेंट कर दिया है। अरे वाह, लेट से कॉलेज में आने के बाद भी मुझे प्रेजेंट मिल गई, लेकिन ये तो कभी जिया के साथ नहीं होती। लेकिन ये रिया है कहाँ? हे hey, अभी कितना टाइम हुआ है? रिया तू? जिया तू? तेरी हिम्मत कैसे है मेरी फैमिली को चूज करने की, वो भी मुझे बिना बताए? क्योंकि मुझे देखना था तेरी लाइफस्टाइल कैसी है। और बाय द वे तूने किसकी फैमिली चूज किया? तेरी फैमिली। और ये मैंने चूज नहीं किया था, वो तो तेरी वजह से हुआ है। लेकिन अब मुझे मेरी फैमिली वापस कर। अभी तो नहीं लेकिन बाद में सोचूंगी, क्योंकि अभी तो मुझे और फन करनी बाकी है। जिया मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मॉम आई एम होम। वेलकम बेबी। मॉम आप सूटकेस क्यों रेडी कर रही हो? नहीं बेबी मैं पुराने कपड़े इसमें रख रही थी। वो क्या है ना, हमारी जो मेड है वो बहुत गरीब है, तो मैं सोच रही हूँ ये कपड़े उसे दे दूँ। मॉम ये तो अच्छी बात है। हाँ आपने बिल्कुल सही सोची है, इससे तो उन्हें थोड़ी मदद भी हो जाएगी। है ना, मुझे तो पता भी नहीं था रिया की मॉम इतने काइंड भी है। अच्छा है, लेकिन लग रहा है आज मुझे जल्दी नींद नहीं आने वाला। बट क्या भी कर सकते हैं, पता नहीं रिया को मेरे रूम में नींद आ रही होगी या नहीं। इतनी रात को कौन आया होगा? बाहर कितना अंधेरा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रही है। ये तो रिया के डैड है, लेकिन इतनी रात को वो किसे सूटकेस दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग मॉम। मैडम ये लीजिए आपकी ग्रीन टी। थैंक्स। प्रिंसेस रिया ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। ओ रेखा आंटी, आपको पता है मॉम ने आपके लिए कुछ कपड़े अलग करके सूटकेस में रखा है। क्या सच में प्रिंसेस रिया? क्या मैंने कब कहा कि मैं उसको कपड़े देने वाली हूँ? लेकिन मॉम। नहीं बेबी, और तुम यहाँ खड़े खड़े मेरे मुँह क्या देख रहे हो? जाओ किचन में जाके अपने काम करो। मॉम की तबीयत ठीक तो है ना? उन्होंने ही तो कहा था कि रेखा आंटी को उनके पुराने कपड़े देने वाले हैं, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? अशोक रिया सूटकेस के बारे में कह रही थी, लगता है उसे शक हो गया होगा। ये क्या बोल रही हो, बेबी को कैसे पता चला? बट डोंट वरी, वो सूटकेस मैंने किसी और को दे दिया है। क्या सच? ओह तो इसका मतलब कालत रिया के डैड जो सूटकेस किसी और को दे रहे थे वो वही सूटकेस था? ऐसा क्या है उस सूटकेस में जो मॉम डैड मुझसे छुपाना चाहते हैं?